नमस्कार, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी की क्लास में कक्षा 9 हिंदी की क्लास में सुमित्रा नंदन पंत का भाग 2 पढ़ेंगे। हमने कल भाग 1 पढ़ा, जिसमें कवि परिचय और उनकी जो कविता है ग्राम श्री वो पढ़ी है। ग्राम श्री, ग्राम यानी गांव, श्री यानी शोभा या सुंदरता। यानी कवि सुमित्रा नंदन पंत जो है प्राकृतिक शोभा का उन्होंने वर्णन किया है। प्रकृति प्रेमी रहे हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं, क्योंकि उनका जन्म भी प्रकृति की गोद में हुआ है। उत्तराखंड में वो प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं और प्रकृति के चितेरे भी कहे जाते हैं। उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। यहाँ पर भी जो सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता है ग्राम श्री, ग्राम यानी गांव, श्री यानी शोभा या सुंदरता, यहाँ पर भी उन्होंने गांव की सुंदरता का, गांव की शोभा का वर्णन किया है। किस प्रकार से गांव में चारों ओर हरियाली छाई रहती है, खेतों में दूर दूर तक हरियाली फैली रहती है और फसलें लहलहाती रहती है। यहाँ कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए जो खेतों में हरी भरी फसलें लहराती है, जब उन फसलों के तिनके हिलते हैं, यानी छोटे तिनके घास के या फसलों के जो हिलते हैं, घास के तिनके ऐसे लगते हैं जैसे कि उनमें हरे रंग का रुधिर बह रहा हो, और अनेक प्रकार की जैसे मटर की फलियां और जो सेम की फलियां हैं ये आती है। जब फसलें पक जाती है और उनकी फलियां पकने के बाद सुनहरे रंग की हो जाती है, तो उनमें जो बीज होते हैं वो बचते हैं और ऐसे लगते हैं जैसे धरती रूपी सुंदरी ने जो है गर्दनी पहन रखी है अपने कमर में। इस प्रकार से उन्होंने जो कविता है ग्राम श्री, उसमें रूपकलंकार का भी वर्णन किया है, उपमालंकार का भी वर्णन किया है और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। उसमें मानवीकरण का भी वर्णन किया है, अनुप्रास अलंकार है। उन्होंने गांव की सुंदरता का जो वर्णन किया है, गांव में जब गेहूं जो की फसलें पकती है तो किस प्रकार से वो दिखाई देती है, लगती है, चारों ओर पीली पीली सरसों जो होती है उसके फूल आने पर चारों ओर तैलाक्त वातावरण हो जाता है और तेल की महक आती है। इस प्रकार से जो ग्रामीण जीवन है उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। जब हरे भरे पौधों पर जो है बसंत ऋतु के आने पर मधुर स्वर में कोयल कूदती है और पौधे और उन पर फल फूल आ जाते हैं, जब उन फूलों पर तितलियां इधर उधर मंडराती है रंग बिरंगी, तो ऐसा लगता है कि मानो तितलियां न होकर के फूल ही एक वृंद से दूसरे वृंद पर जा रहे हो, अर्थात एक डंठल से या एक टहनी से दूसरी टहनी पर स्वयं जाकर के बैठे हो। आगे बढ़ते हैं भाग 2। यहाँ पर बसंत ऋतु है और इसका वर्णन करते हुए कवि कहता है कि अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, जल रहे ढाक पीपल के गल को उठी गोभी मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन जंगल में झर बेरी झूली, फूले आडू नींबू दाड़ी आलू गोभी बैंगन मूली। कवि यहाँ ग्राम श्री यानी गांव की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, गांव की शोभा, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र, आम्र यानी आम की तरु यानी पेड़ की डाली। अब जो है बसंत ऋतु में आम के जो पेड़ है उनकी डालियां सफेद और स्वर्ण सुनहरी मंजरियों से लद गई है, अर्थात उन पर बोर आ गए हैं, मंजरियां आ चुकी है जो अत्यधिक ही सोने रंग की और चांदी के से रंग की बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। जल रहे ढाक पीपल के दल, और यहाँ पर पतझड़ का वर्णन भी कवि ने किया है कि पतझड़ के कारण
कर देने वाली कोयल मीठे स्वर में कूक रही है, बोल रही है, महके कटहल मुकुलित जामुन। महके कटहल, कटहल महकने लगे हैं, यानी वहाँ के जो फल फूल हैं, सब्जियां हैं, उसका वर्णन कवि करता है। यहाँ पर जो फल है उसका वर्णन कवि करता है, महके कटहल की कटहल महकने लगे हैं, कटहल की महक चारों ओर फैल चुकी है, मुकुलित जामुन और अध पके जामुन है, मुकुलित यानी अध खिले या अध पके जामुन हो गए हैं। जंगल में जरबेरी झूली, जरबेरी जो है जंगल में वो भी फल फूल रही है, अत्यधिक हो चुकी है। फूले आड़ू नींबू दारिम चारों ओर आड़ू नींबू और अनार आलू गोभी बैंगन मूली और अनेक प्रकार की सब्जियां जो है दिखाई दे रही है, इनका सौंदर्य देखते ही बनता है। आलू गोभी बैंगन मूली की फसलें या फिर कहें कि सब्जियां चारों ओर आ गई है। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी। लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी ओ सेम फली फेरी, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। कवि कहता है कि अब जो अमरूद है वो भी पक चुके हैं, पीले हो चुके हैं और उनमें अब लाल लाल रंग के धब्बे या चित्तियां या धब्बे दिखाई दे रहे हैं। पक गए सुनहले मधुर बेर, मधुर भी पक करके पीले हो गए हैं, स्वर्णिम रंग के हो गए हैं। अमली से तर की डाल जड़ी, और जो छोटे आंवले हैं उनसे आंवलों की जो डाल है वो पूरी भर रही है, जड़ गई है। लह लह पालक मह मह धनिया, चारों ओर पालक की फसल सब्जी जो है लह लहाने लगी है और धनिया की महक चारों ओर फैली हुई है, धनिया की महक चारों ओर फैल गई है। लौकी और सेम फली फैली, लौकी और सेम की फलियों की सुगंध भी चारों ओर फैल गई है। मखमली टमाटर हुए लाल, मखमल के जैसे टमाटर लाल लाल टमाटर की फसल भी पक गई है। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और जो मिर्चे हैं मिर्ची वो अत्यधिक मात्रा में पेड़ों से लटकने के कारण ऐसी दिखाई दे रही है कि बड़ी सी थैली जो है मिर्चों की लटकी हुई है। बालों के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बबुले, कलंगी समानते हैं कोई, तिलते जल में सुरखाब पुलिन पर, मगर ओठी रहती सोई। हसमुख हरियाली हिमाता, सुख से अरसाए से सोए, भीगी अंधियाली में मिशी की, तारक सपनों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्रान, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निर्वम हिमांत में स्निग्ध शाम, निज शोभा से हलता जनमन। कवि ने यहाँ प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है, प्राकृतिक शोभा का वर्णन किया है कि जो प्रकृति है वो कितनी सुंदर है। चारों ओर वसंत ऋतु के आने पर जो ऋतुओं का राजा है, चारों ओर हरियाली और दिखाई देती है और चारों ओर फल फूल दिखाई देते हैं, चारों ओर फल और फूल आने लगते हैं पेड़ों से, चारों ओर हरियाली दिखाई देने लगती है। यहाँ पर अनेक प्रकार के फल और सब्जियां भी पकते हुए दिखाई देते हैं। जब पतझड़ आता है तो ढाक और पीपल के पत्ते झड़ने लगते हैं, पुराने पत्ते झड़ करके नए पत्ते आते हैं, और जो अमरूद है मधुर बेर है वो भी पक गए हैं और अत्यधिक ही मीठे हो गए हैं। अमरूदों में पक करके पीले से वो लाल हो गए हैं, उनमें लाल लाल रंग की धारियां या धब्बे पड़ चुके हैं, और जो आंवले हैं छोटे आंवले उनकी डाली भी आंवलों से पूरी तरह से लद चुकी है। पालक और धनिया की महक जो है चारों ओर फैल चुकी है, फसलें लहर लहा रही है। लौकी और सेम की फलियों की खुशबू भी चारों ओर फैली हुई है। टमाटर जो है वो लाल
जब रेत उठती है तो उसमें सर्पाकार आकृति बन जाती है, यानी सांप की जैसी आकृति बन जाती है। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेत, यानी वो रेत जो है वायु के कारण इधर उधर उड़ने के कारण उसमें टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां, यानी कि रेत में टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां बन जाती है, जिसे ऐसा लगता है जैसे टेढ़ी मेढ़ी सांप की या सर्प की आकृति हो जैसे दिखाई देती है। जब सूर्य की किरण उस रेत पर पड़ती है, गंगा नदी के किनारे जो रेत है उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है कि वो रेत सतरंगी यानी सात रंग की होकर के चमकने लगती है। सुंदर लगती सर्वत छाई तट पर तरबूजों की खेती, और वहीं पर गंगा नदी के तट पर ही किनारे पर ही तरबूजों की खेती हो रही है। वहां पर उसी रेत में तरबूज लगे हुए हैं, उन वहां पर किनारे पर जो तरबूज की खेती हो रही है वहां सुंदर लगती सर्वत छाई, सर्वत यानी घास जो है हरी भरी वो अत्यधिक सुंदर लग रही है। अंगुली की कंघी से बगुले कलर की सवार ते हैं कोई, तिरते जल में सुखा कुलीर पर मगर उठी रहती सोई, यानी वहां पर जो तालाब है उसमें या फिर जो गंगा नदी है उस वहां वहीं की बात यहाँ कवि करता है कि वहां पर बगुले जो है अपनी उंगली से कंघी करते हुए से नजर आ रहे हैं, यानी अपनी उंगली से अपने जो कलंगी है उसे समाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे बगुले कंघी कर रहे हैं। तिरते जल में सुरखाब, और उस जल में चक्रवात पक्षी, सुरखाब यानी चक्रवात पक्षी जो है तैरते हुए नजर आ रहे हैं। पुलीन पर मगरोटी रहती सोई, और वहां नदी का जो किनारा है उस पर मगरोटी नामक पक्षी जो है सोया रहता है। यहाँ पर कवि जो है बालू यानी कि गंगा गांव में गंगा नदी के किनारे का वर्णन किया है कि जो गंगा नदी का किनारा है वहां पर जो रेती पड़ी हुई है जब सुबह सुबह सवेरे सूर्य की किरणें उस सुनहरी किरणें उस रेती पर पड़ती है तो सतरंगों जैसी दिखाई देती है, चमकती हुई दिखाई देती है। और वहां पर बालू यानी कि जब वायु के कारण हवा के कारण वहां जो रेत पड़ी हुई है वो वायु के कारण इधर उधर उड़ती है तो सांपों सर्प जैसी आकृति उस रेत पर टेढ़ी मेढ़ी आकृति बन जाती है जो अत्यधिक ही सुंदर लगती है। वहां पर किनारे पर तरबूजों की खेती हो रही है, और वहां जो घास है जो हरी घास है वो अत्यधिक ही सुंदर लग रही है। वहां उस जल में बगुले जो है वो अपने कलंगी समाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बगुले अपनी कलंगी उंगली से कलंगी कर रहे हो। और जो चक्रवात पक्षी है वो जल में तैरते हुए दिखाई देते हैं, जल में तैर रहे हैं, और नदी के किनारे मकरोटी नामक पक्षी जो है सोया हुआ है। हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में ऋषि की तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नम आच्छादन, निरूपम ही मात में स्निग्ध शांत शोभा से हलता जो। यहाँ कवि जो है वही ग्रामीण जीवन
मरकत डिगरे सातुला ग्राम जिस पर नीलम नभा छादन। मरकत यानी हरा रंग का जो पन्ना होता है मरकत, दिव्य सातुला ग्राम गांव को यानी हरे पन्ने जैसा बताया गया है, क्योंकि हरा पन्ना जो होता है उसी प्रकार से चारों ओर जो गांव है उसमें चारों ओर हरियाली फैली होने के कारण, हरे भरे खेत होने के कारण चारों ओर गांव में हरियाली मखमली मखमल जैसी हरियाली फैली होने के कारण वहां पर गांव को मरकत दिव्य सातुला हुआ कहा गया है। जिस पर नीलम आच्छादन यानी जो है यहाँ का ग्रामीण परिवेश जो है, ग्रामीण वातावरण जो है, जिस पर जहाँ पर चारों ओर इस पृथ्वी पर चारों ओर हरियाली फैली हुई है और ऊपर नीले रंग का आकाश, नीले रंग के आकाश से स्वच्छ आकाश से जो हरियाली है वो ढकी हुई है। इस निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जन्म। और यहाँ पर हिमांत यानी अब शरद ऋतु का अंत होने वाला है, वातावरण बिल्कुल शांत और दिखाई देता है। सभी के प्रत्येक व्यक्ति के मन का हरण करता हुआ, प्रत्येक व्यक्ति के मन को आकर्षित करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ कवि ने ग्रामीण सुंदरता का, प्राकृतिक ग्रामीण परिवेश का, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। और यहाँ पर गंगा नदी के किनारे जो बालू रेत है, सूर्य की किरणें जब उस रेत पर गिरती है तो रेत चमकीली और सत रंग सात रंगों वाली दिखाई देती है। वायु के चलने के कारण उस रेत पर टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां बन जाती है, जिसे कवि ने सर्पों की आकृति कहा है, सांप की जैसे दिखाई देती है। और नदी के किनारे जो है तरबूजों की खेती होती है, जहाँ लग रही है तरबूजों की खेती हो रही है। बगुला जो है नदी के किनारे अपनी उंगली से जो है कलंगी समाता हुआ ऐसा लग रहा है मानो कलंगी कर रहा हो, यहाँ पर मानवी करण अलंकार है। और उसी गंगा के जल में सुरखाब यानी चक्रवात पक्षी जो है तैरते हुए नजर आ रहे हैं, और किनारे पर मंगरोटी नामक पक्षी सोया हुआ है, मंगरोटी चिड़िया सोई हुई है। चारों ओर